शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की उपनेता सुषमा अंधारे के बयान को लेकर बालासाहेब की शिवसेना द्वारा 17 दिसंबर शनिवार को डोंबिवली बंद की अपील की गई है। हिंदू संतों के विषय में विवादित बयान करते हुए सुषमा अंधारे का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद से शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने आक्रामक भूमिका अपना ली है। शुक्रवार को डोंबिवली स्थित मध्यवर्ती कार्यालय में पत्रकार परिषद लेकर शिंदे गुट के पदाधिकारियों ने शनिवार को डोंबिवली बंद की अपील की है। शिंदेगुट के डोंबिवली बंद को व्यापारी संगठन और रिक्शा संगठनों ने भी समर्थन घोषित किया है। हिंदू धर्म के लिए बंद में शामिल होने की अपील शिंदेगुट के कार्यकर्ताओं ने डोंबिवली के लोगों से की। पत्रकार परिषद में शहर प्रमुख राजेश मोरे, युवा नेता दीपेश मात्रे, रमेश मात्रे, महेश पाटिल, राजेश कदम के साथ वारकरी संप्रदाय के महाराज, व्यापारी संगठन एवं रिक्शा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या वतीने सुषमा अंधारेंनी जे वारकरी संप्रदायाबद्दल व महाराष्ट्राच्या संतांबद्दल जे वक्तव्य केलंय त्याचा तीव्र शब्दामध्ये आम्ही निषेध करतो। हे निषेध व्यक्त करण्यासाठी उद्या डोंबिवलीमध्ये शांततेत बंद पाळला जाणार आहे असं आवाहन आम्ही प्रत्येक नागरिकाला डोंबिवलीच्या केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये व्यापारी संघटना असतील, बजरंग दल असतील, अनेक सामाजिक संघटना देखील या सहभागी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या आहेत। आपण बघितलं असेल तर आत्ता या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये सर्वच लोक होते आणि उद्या मोठ्या प्रमाणात डोंबिवलीमध्ये बंद राहील। डोंबिवली हा हिंदुत्वाचा जागर करणारा शहर आहे। या शहरामध्ये उद्या कडकडीत बंद सुषमांधारेबद्दल पाळलं जाईल। सकाळी लोक बंद, सकाळी व्यापाऱ्यांना आणि जे रिक्षा चालक आहेत ते सगळे बंद ठेवणार आहेत। याचं स्वरूप जसं नॉर्मली बंद असतं तर त्याच प्रकारचं असणार आहे।